बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग साइन वाले ग्राफ ट्रेस करने के लिए सीख रहे थे, क्लियर हो? अब हम लोग कॉस पे आते हैं, नेक्स्ट लिखे, सही है? कुछ होमवर्क भी दे दूंगा जो पिछले क्लास में मैं कराया हूँ उस पर, पहले कॉस वाला ट्रेस कर लेते हैं। वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, पहले इसको क्वेश्चन के तौर पर ही करते हैं। कैसे सर? मान लो कि वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स का ग्राफ ट्रेस करने के लिए आपको बोला गया है, क्या इसको साइन में कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल आसानी से। क्या लिखोगे सर? वाई इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे साइन, पहली बात पाई बाई टू प्लस एक्स। देखो तो साइन 90 प्लस थीटा, क्या प्लस कॉस थीटा होता है? हाँ, साइन 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट प्लस पड़ा और 90 पे चेंज होता है कॉस एक्स। सर इसको साइन पाई बाई टू माइनस एक्स नहीं लिख सकते थे क्या? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, एक्स के सुटेबल वैल्यू प्लस में आएंगे और उसमें क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, लेकिन गलती कुछ नहीं, दोनों से परफेक्ट आएगा, सही है? हाँ सर। चलिए अब क्या क्या चाहिए आपको, चाहिए वाई मैक्स और क्या वाई मिनिमम, सही है? वाई मैक्स कितना हो जाएगा प्लस वन और वाई मिनिमम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, देख लो। अच्छा, इसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम लोग करते थे क्या, ये जो पूरा कंप्लीट है इसको जीरो सिक्वेट करवाते थे। क्या लिखोगे? देयर फोर साइन पाई बाई टू प्लस एक्स इजिकल्स टू क्या, जीरो। तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, एन पाई ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा, एन पाई माइनस क्या पाई बाई टू, सही है? देख लो, सही है यहाँ तक? हाँ सर। तो यहाँ से कॉमन ले लो क्या पाई बाई टू, तो यहाँ बच जाएगा टू एन माइनस वन इंटू क्या पाई बाई टू, वैल्यूज रखना शुरू कर दो एन के, जीरो रखो तो कितना जाएगा माइनस पाई बाई टू, वन रखो तो कितना जाएगा प्लस पाई बाई टू, टू रखो तो कितना जाएगा थ्री पाई बाई टू, सही है? हाँ, टू रखने पे थ्री रखो तो कितना जाएगा फाइव पाई बाई टू, सही है? सेवन पाई बाई टू एटसेट्रा, ऐसा वैल्यू मिलते जाएंगे आपको, सही है? देख लीजिए, क्लियर हो? चलिए अब देखिए, अब क्या तरीका था, तरीका क्या था यहां से कि सर पहले तो अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। यस सर, ये एक्स एक्सिस है, क्या है वाई एक्सिस है, सही है? कोई दिक्कत? मैक्सिमम वैल्यू कितना है रे भाई, मैक्सिमम वैल्यू सर इसका है प्लस वन और मिनिमम कितना है माइनस वन। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होता है और मिनिमम कितना होता है माइनस वन होता है। तो वाई इज इक्वल टू क्या प्लस वन और वाई इज इक्वल टू क्या माइनस वन। कॉस का भी ग्राफ आपको याद रखना है आज के बाद, बनाने के बाद, जैसे साइन वाले याद रखे हो, सही है? कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक देख लीजिए। अच्छा, जीरो कहाँ कहाँ पे हुआ है भाई, माइनस पाई बाई टू पे, तो माइनस पाई बाई टू लिख दिया, फिर क्या प्लस पाई बाई टू पे। इसका हील कहाँ पे बनेगा, इधर भी बराबर है, ठीक बीचों बीच बनेगा यहाँ पे, सही है? अब चेक कर लेना, ये बीचों बीच कौन है, जीरो, जीरो पर क्या आएगा कॉस जीरो वन, ऊपर में जाएगा ग्राफ, सही है? फिर क्या हो जाएगा, फिर थ्री पाई बाई टू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा फाइव पाई बाई टू हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सेवन पाई बाई टू हो जाएगा, एटसेट्रा, ऐसे ही बनते जाएंगे, सही है? ऐसे ही एक्स होते जाएंगे, ठीक है? चलिए, जीरो रखा, कॉस जीरो कितना रहा वन, यानी जीरो पे प्लस मिलेगा वैल्यू और वन मिलेगा सबसे ज़्यादा वैल्यू, यानी कुछ ऐसा, फिर कुछ ऐसा, सही है? फिर कुछ ऐसा बनते जाएगा, साइन टाइप का ही तो लूप घुमाना है, क्योंकि ये तो साइन ही लिखा हुआ है, साइन पाई बाई टू प्लस एक्स, सही है? देख लो किस अगर आप बन गए कॉस एक्स का। अच्छा, यहाँ पे कोई पूछ दे पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू, यानी 90 और 270 के बीच में कौन होता है, होगा ना टी, यानी यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे क्या आएगा टू पाई, यहाँ पे ऐसे ही क्या आ जाएगा थ्री पाई, देख लो कोई दिक्कत। तो इसको भी आप क्या करें, फिलहाल ध्यान रखेंगे कॉस एक्स का ऐसा ग्राफ बनता है, सही है? कुछ होमवर्क ले लीजिए आप, जो आपको बना कर लाने हैं, ड्रॉ वाई इक्वल्स टू, पिछले क्लास का आप लेक्चर अगर नहीं पढ़े हो तो देख लेंगे उसको अच्छे से, वहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया, साइन एक्स बाई पाई वाई इक्वल्स टू साइन पाई एक्स, सही है? थर्ड नंबर वाई इक्वल्स टू थ्री साइन एक्स, फोर्थ नंबर वाई इक्वल्स टू माइनस टू साइन एक्स, सही है? फिफ्थ नंबर वाई इक्वल्स टू साइन पाई बाई फोर माइनस एक्स, सही है? सिक्स्थ नंबर वाई इक्वल्स टू रूट थ्री कॉस एक्स प्लस क्या साइन एक्स, ये सब ग्राफ आपको ट्रेस करके लाने हैं, सही है? ये आपका होमवर्क है, कोई दिक्कत? साइन और कॉस वाले ग्राफ आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, इतने पांच छह क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं ऐसे ऐसे आपको, सही है? आप सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है? लिख लो भाई आराम से, मिटा रहा हूँ, ठीक है, मिटा रहा हूँ। अच्छा, तो सर साइन का भी सीख गए, कॉस का भी सीख गए, मॉडुलस वगैरह का भी नहीं बताया हूँ, अगर पूरा पे मॉड लगा दिया जाए तब क्या होगा, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें बताऊंगा, ऐसा नहीं सोचना कि सर नहीं जानते हैं, क्लियर हो? अपन तो ग्राफ इतना, मतलब मान के चलो कि करीब 15 से 20 दिन तक ग्राफ ग्राफ ही पढ़ाते हैं,
सही है कि तुम्हारे सपने में भी ग्राफ आने शुरू हो जाएंगे। अभी स्टार्टिंग का मैं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से समझकर पढ़ा रहा हूँ, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा बर्डन ना हो इसलिए मैं वो सब चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ। सही है, मॉडुलस एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, इसके साथ इंटीग्रल लगा दिया जाए, फ्रिक्शन लगा दिया जाए, तब क्या होगा। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर लिखिए, तीसरा वाला ग्राफ, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या, टेन एक्स। ठीक है, हाँ सर, नेक्स्ट जो है अपना वो क्या है, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स। सही है, पहली बार टेन एक्स में मैं क्या बोला था, एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। ऐसा क्यों सर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे टेन एक्स क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। वहाँ पे होता क्या है सर, वहाँ पे टेन को लिखते हैं साइन बाई कॉस, वहाँ पे कॉस जीरो हो जाता है और किसी भी एक्सप्रेशन का डिनोमिनेटर किसी भी कीमत पे जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसा किए है। यानी एक्स की जो वैल्यू नहीं होना चाहिए वो क्या क्या नहीं होना चाहिए सर, एक्स की वैल्यू नहीं होना चाहिए वो पाई बाई टू, माइनस भी रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, थ्री पाई बाई टू। सही है, माइनस पाई बाई टू भी आएगा इधर, फिर ऐसे ही क्या माइनस पाई बाई टू भी रख दे रहा हूँ देख लो, यानी एक्स की वैल्यू जो नहीं होना चाहिए वो माइनस पाई बाई टू, प्लस पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, एटसेट्रा। सही है, देख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, और इसके अलावा सारे एक्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक्स के बारे में तो एक ख्याल था। वाई, अगर आप एक्स पुटअप करते हो तो वाई मतलब क्या, टेन एक्स की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, टेन कुछ भी आ सकता है, यानी टेन एक्स जो होता है वो टेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। टेन एक्स की वैल्यू कुछ भी पॉसिबल है दुनिया में सर, टेन एक्स की वैल्यू 50 पॉसिबल है क्या, हाँ सर, टेन एक्स की वैल्यू 10,000 पॉसिबल है क्या, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज टेन का जो बेसिक फार्मूला था क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बेस में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, यानी वाई बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। सही है, हाँ सर, चलिए अब ध्यान देना, ये बनाया मैं वाई एक्सिस और ये बनाया मैं एक्स एक्सिस, कोई दिक्कत, जहां जहां पे अनडिफाइंड हो रहा है ये उसको पहले प्लॉट कर लो। सही है, चलो जीरो, और जीरो कहां कहां पे होगा, जहां जहां पे साइन जीरो होता था, पाई टू पाई पे। सही है, तो पहले जीरो, और ये क्या हो जाएगा, पहले अनडिफाइंड को लिख लो, पाई बाई टू, इधर क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई टू। सही है, अच्छा पाई पे जीरो होता है भाई, उसको भी लिख लो, ये क्या आएगा, थ्री पाई बाई टू, टू पाई पे जीरो हो जाएगा फिर टेन। सही है, फिर फाइव पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां जहां पे अनडिफाइंड है वहां पे लाइनें खींच लो, क्यों, वहां पे ग्राफ नहीं जाना चाहिए। कैसे देख लो, ऐसे टाइप के रेड कलर से मैं बना रहा हूं, देखो इधर, आप भी प्रयास करें कि कलर को चेंज कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझ में आएगा अच्छे तरीके से। कहाँ पे माइनस पाई बाई टू, पाई बाई टू, फिर थ्री पाई बाई टू पे अनडिफाइंड, पाई को कहाँ लिखे हो सर, पाई पे जीरो हो जाता है वो टेन। सही है, हाँ सर, फिर क्या, फाइव पाई बाई टू कर दिए। अब जहाँ जहाँ पे जीरो हुआ है, जहाँ जहाँ पे जीरो हुआ, वहाँ पे ब्लैक पेन से मैं बना रहा हूँ। सही है, ये जीरो हुआ, इधर तो बना हुआ है, फिर कहाँ पे जीरो हुआ है, टू पाई पे। सही है, देख लो भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत। सही है, अच्छा जीरो से पाई बाई टू के बीच में, यानी जीरो से 90 डिग्री के बीच में आप टेन में वैल्यू रखकर देखो, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे टेन क्या होता है, बढ़ता है। अगर क्लास 12th आप पढ़ चुके हो तो मैं आपके लिए बता दूं, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है कभी निगेटिव नहीं होता है। सही है, तो डी वाई डी एक्स पॉजिटिव मतलब दैट फंक्शन इज क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन। वो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका जो ग्राफ बनेगा वो इंक्रीजिंग टाइप का बनेगा, वो ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, ग्राफ यहाँ पे नहीं जाएगा रेड कलर के पास, क्यों, वहाँ पे क्या है, अनडिफाइंड है। जहाँ जहाँ रेड गया है, रेड कलर दिख रहा होगा, वहाँ पे फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है। क्लियर हो, मतलब वहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो गया था। सही है, हाँ सर, अब देखो ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और जैसे जैसे एक्स बढ़ाते हैं वैसे वैसे वाई क्या होता है, बढ़ता है। ये इधर फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऐसा बनेगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर ऐसे ही ग्राफ को बनाते जाइए, पाई के बाद रिपीट मारे गए, क्योंकि टेन पाई प्लस थीटा क्या होता था, टेन थीटा। सही है, ऐसा ही ग्राफ आपका बनता हुआ टेन का दिखाई देगा, इसको भी ध्यान रखना है। सही है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल का जो छह ग्राफ है उनको याद रखना एक तरीके से मान लो। तो किसका ग्राफ बनकर तैयार हो गया, ये बन गया सर वाई इक्वल टू क्या, टेन एक्स का। सही है, किसका बड़ा ग्राफ बनाए, वाई इक्वल टू टेन एक्स का, देख लीजिए भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर, मिटा रहा हूँ।
मिटा रहा हूँ भाई। अब नेक्स्ट नंबर आते हैं वाई इज इक्वल टू कॉर्टेक्स पे। किस पे आते हैं? वाई इज इक्वल टू कॉर्टेक्स। सही है यहां तक? हाँ सर। तो नेक्स्ट लिखेंगे वाई इज इक्वल टू कॉर्टेक्स। जो हम लोग ग्राफ पढ़ने वाले हैं अगला नंबर वो किसका है? कॉर्टेक्स का है। सही है? हाँ सर। चलिए वाई इज इक्वल टू कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स को क्या लिखते थे? कॉस एक्स बाई साइन एक्स। साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए सर? एक्स एन पाई नहीं होना चाहिए, यानी एक्स की जो वैल्यू नहीं होनी चाहिए वो क्या नहीं होनी चाहिए? जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई वगैरह। सही है? सही है। अब बाकी सब चीज़ होनी चाहिए। अच्छा वाई क्या होगा? वाई रियल नंबर होगा। कॉर्टेक्स की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? रियल नंबर होती है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए ग्राफ बना के बता रहा हूँ भाई, देखो इधर। सही यहाँ तक? हाँ सर। चलिए अच्छा जीरो कहाँ कहाँ पे होगा? कॉर्टेक्स को क्या लिखोगे? कॉस एक्स बाई साइन एक्स। जहाँ पे कॉस जीरो होगा वहाँ पे कॉट जीरो होगा। ऐसा ऐसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो जीरो है। सही है। जीरो पे क्या हो जा रहा है? अनडिफाइंड। फिर क्या? पाई। फिर क्या? टू पाई। जहां जहां अनडिफाइंड हो रहा है उसको लिख लो। सही है। फिर क्या? थ्री पाई। फिर क्या? फोर पाई। सही है। इन पे क्या हुआ है? अनडिफाइंड हुआ। अनडिफाइंड वाले पे रेड कलर का पेन से मैं बना रहा हूँ, देखो। मतलब यहाँ पे ग्राफ नहीं जाएंगे जहाँ पे रेड बना रहा हूँ, रेड जोन में। सही है? हाँ सर। रेड लाइनिंग के ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, ग्राफ बिल्कुल नहीं टच करेगा, उसको ध्यान रखेंगे ये बात को। क्यों सर? वहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो गया है तो कैसे जाएगा वहाँ पे? सही है? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं सर। सही है, देख लो यहाँ तक। अच्छा अब जीरो जीरो कहाँ कहाँ पे होगा? जहाँ पे कॉस जीरो होता है तो कॉस कहाँ पे जीरो होता है? सर पाई बाई टू पे होता है। फिर कहाँ पे? पाई और टू पाई के बीच में। थ्री पाई बाई टू पे। फिर कहाँ पे? सर टू पाई और थ्री पाई के बीच में। फाइव पाई बाई टू पे। फिर कहाँ पे? सर सेवन पाई बाई टू पे, एटसेट्रा। सही है। यहाँ पे मैं ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे जीरो हो रहा है। सही है, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। देख लो भाई, देख लो। सही है? हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा ये जीरो डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, जीरो से 90 के बीच में आप वैल्यूज रखिए एक्स की वैल्यू। जैसे जैसे एक्स बढ़ाओ ना तो कॉटेक्स की वैल्यू डिक्रीज होता है, घटता है। जैसे कॉट जीरो कितना होता है? कॉस जीरो बाई साइन जीरो, अनडिफाइंड, जिसको इन्फिनाइट पहले बोलते थे। सही है। वैसे ही देख लो कॉट 30 डिग्री कितना होता है? सर रूट थ्री। कॉट 45 क्या होता है? वन। तो रूट थ्री से वन क्या हुआ? डिक्रीज ही हुआ है ना। हाँ सर। और पॉजिटिव वैल्यू रहता है तो कुछ इसका ग्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखा देगा आपको, कैसा इस टाइप का। अच्छा ये जीरो वाला लाइन भी रेड जोन में ही जाएगा, ठीक है ये वाला। क्लियर हो? हाँ सर। फिर ऐसा बनेगा, क्लियर हो? फिर बनेगा ऐसा। ये सब डरेंगे नहीं, ठीक है, आदत में आओ ये सब ग्राफ को लेकर। कैलकुलस पढ़ोगे ढंग से तो ये सब ग्राफ तो आपका हैबिट हो जाएगा। सही है? नहीं सीख पाएंगे सर जिंदगी में कभी, कैसी बात कर रहे हो आप। सही है। देख लो भाई, ये आपका वाई एक्सिस था और ये क्या था? एक्स एक्सिस का था। सही है। कॉर्टेक्स का ग्राफ बन के तैयार। इधर भी बनता है, ऐसा नहीं कि इधर नहीं बनता, इधर भी बनता है। मैं अभी है ना, फिलहाल आप चाहो तो इधर ही बना सकते हो। माइनस पाई बाई टू बना लो और उसके अराउंड घुमा देना ऐसे। सही है, क्लियर हो? लिख लो, मिटा रहा हूं। सही है। हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट आते हैं वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। वाई इज इक्वल टू क्या? कोसेक एक्स। यहां तक कोई समस्या नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट नंबर वाई इज इक्वल टू कॉसेक एक्स।
नेक्स्ट जो अपने ग्राफ तैयार करना है वो किसका तैयार करना है? कोसेक एक्स का। क्लियर हो? हाँ सर। वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स को क्या लिखा जाएगा? वन बाई साइन एक्स। वन बाई क्या? साइन एक्स। मैं क्या बोला, किसी भी एक्सप्रेशन का क्या नहीं होना चाहिए? डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे सर? साइन एक्स नेवर बी इक्वल टू क्या? जीरो। यानी एक्स नेवर बी इक्वल टू क्या? सर एन पाई। यानी एक्स नेवर बी इक्वल टू क्या? सर जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, ये सब रेड जोन रहेंगे जहाँ पे ग्राफ नहीं जाएगा। सही है? हाँ सर। अच्छा, साइन कहाँ से कहाँ लाई करता था? माइनस वन से वन के बीच में। देखो इधर थोड़ा, माइनस वन से वन के बीच में किसका रेंज था? साइन का, मतलब साइन की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में है। सही है? अच्छा, इनका रेसिप्रोकल लो। अगर जीरो से वन के बीच का कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल लो। जैसे जीरो से वन के बीच में वन बाई टू है तो वो किधर चल देगा? वन, इधर, वन के राइट साइड में। अरे जीरो से वन के बीच में कोई नंबर है जैसे वन बाई टू है, उसका रेसिप्रोकल लिए तो क्या आया? टू आया, वो इधर आ गया ना। हाँ, तो जीरो से वन के बीच का कोई नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं वो उठ के इधर आ जाता है, और माइनस वन से जीरो के बीच का नंबर का रेसिप्रोकल लगे वो इधर आ जाएगा। सही है? तो यानी कहने का मतलब ये है कि माइनस वन से बड़ा होता है साइन एक्स और प्लस वन से छोटा होता है। हाँ सर। तो कोसेक एक्स क्या आ जाएगा? माइनस इन्फाइनाइट से बड़ा होगा कौन? कोसेक एक्स। सही है? और माइनस वन से क्या होगा? छोटा होगा। सही है? और ऐसे लिख सकते हो, वन से बड़ा होगा कोसेक एक्स। सही है? यहाँ पे नहीं लगता इक्वल टू, क्योंकि इन्फाइनाइट के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है, और इन्फाइनाइट से क्या होगा? छोटा होगा। सही है? अच्छा, इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, इस तरीके से। एक्स बिलोंग्स टू, एक्स बिलोंग्स टू ये इंटरवल होता है। अभी इसकी बहुत लंबी कहानी है, अभी इस पर चर्चा नहीं करूंगा मैं। सही है? फिलहाल देख लो, ऐसा भी लिखा जाता है, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। यूनियन इनइक्वालिटी में पढ़ेंगे अपन ऐसा, ये सब चीज़ों का मतलब क्या होता है ब्रैकेट का। सही है? क्लियर हो? यानी कहने का मतलब ये, कोसेक एक्स का जो वैल्यू होगा माइनस इन्फिनाइट से माइनस वन तक, और वन से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। क्लियर हो? सही है? हाँ सर। चलिए ग्राफ बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। ये लाइन y इक्वल टू वन है, ये लाइन क्या है? y इक्वल टू वन। और नीचे क्या बनाते हैं? y इक्वल टू क्या? माइनस वन। बना दिया। इस रीजन में किसका ग्राफ बनता था? साइन का। इस रीजन में किसका ग्राफ बनता था? साइन का। तो इस रीजन में कोसेक का ग्राफ नहीं आएगा ये एरिया में, क्योंकि रेसिप्रोकल होगा तो ये इधर चल देगा और ये इधर आ जाएगा। सही है? अच्छा ठीक है सर। उसके बाद जो अनडिफाइंड है उनको लिख लें। अनडिफाइंड कहाँ कहाँ पे है? सर जीरो पे। फिर कहाँ पे है? सर पाई पे। सही है? फिर कहाँ पे है? सर टू पाई पे। फिर कहाँ पे है? थ्री पाई पे है। फिर कहाँ पे है? फोर पाई पे है, एटसेट्रा। अब चाहो तो इधर माइनस फाइव भी लिख सकते हो। सही है तक? हाँ सर। अच्छा, क्या बोला? रेड जोन को रेड रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला भी रेड जोन है, ये कौन? ये जीरो वाली लाइन, ये भी रेड जोन में ही आएगा। सही है? कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो भाई आराम से। सही यहाँ तक? हाँ सर। देख लो भाई, सही है? हाँ। ये आपका वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, अगर आपको कोसेक एक्स का ग्राफ बहुत ढंग से बनाना है, ध्यान सुनना, कोसेक एक्स का ग्राफ बहुत ढंग से बनाना है, तो आप पहले किसका ग्राफ किसका बनाओगे? साइन का। साइन का तो आप सीख चुके हो। सही है? साइन का ग्राफ कैसा बनता था? ये हील बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, साइन का हील बनाने के लिए, याद है? हाँ सर, ऐसा था ना साइन का ग्राफ। इससे क्या फायदा होगा सर? ये बहुत आसानी से बन जाएगा। किसका ग्राफ? कोसेक का। सही है? ठीक है, देख लो भाई, किसका ग्राफ बना है? अंदर वाला जो ग्राफ है ये साइन एक्स का है। अब रेसिप्रोकल होते हैं तो सब नंबर उठ के कहाँ जाते हैं? साइन का रेसिप्रोकल ही कोसेक होता है ना। तो उधर तीन कटोरियों को, जो ये कटोरी दिखाई दे रहा है जीरो से पाई के बीच, पलट दो। कैसे? इस लाइन के बॉर्डर पकड़ो यहाँ से, फोल्ड कर दो ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे। और यहाँ पर अनडिफाइंड होगा तो इसको टच नहीं करेगा ऐसा। सही है? इसको टच नहीं करवाना है अनडिफाइंड वाली लाइन को। सही, ऐसा। ये ऊपर कोसेक का बना ग्राफ, यहाँ पर कटोरी कहाँ पे? नीचे में। तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, कोई दिक्कत? यहाँ पे, यहाँ पे सर ऐसा बन जाएगा, टच नहीं करना भाई इसमें, ध्यान रहे। सही है?
यहाँ पर कैसा बनेगा? ऐसा, ठीक है। इधर भी चाहो तो आप बना सकते हो, सही है। देख लो भाई, ये किसका ग्राफ बनकर तैयार हो चुका है सर? ये कोसेक एक्स का। ये जो ग्राफ बना है वो किसका बना है? कोसेक एक्स का। ये जो अंदर में है ना, वो अंदर में साइन एक्स का ग्राफ है। किसका है? साइन एक्स का। उसको चाहो तो ये बाहर वाले कोसेक के हैं ग्राफ, ऊपर वाले और नीचे वाले। आप चाहो तो अंदर वाले को हटा सकते हो, मतलब ये जो ग्राफ है इसको आप हटा सकते हो, सही है। वो काहे के लिए बनाए थे सर? समझने के लिए, बस। उससे आसानी से बन जा रहा था, बस करना क्या था, कटोरियों को पलटना था, इसलिए उन ग्राफ को अपन क्या किए थे, ट्रेस किए थे। चाहिए, देख लीजिए, क्लियर हो? हाँ सर, सही है। जो छुपे ये मीटिंग लिख लो द्वारा, 2π 3π 4π, और मान ये कोसेक एक्स का ग्राफ है, बनकर तैयार हो चुका है, देख लीजिए। बहुत डरावना ग्राफ है सर। हाँ, कोई डरावना नहीं है, एक बार रिवीजन रखो ढंग का, सब आसान चीज़ है। क्लियर जी सर? आगे बढ़ते हैं, मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट नंबर, y=sec x। सेक एक्स में भी यही सब हाल होने वाले हैं। कॉस का बनाओगे और कटोरी क्या करोगे? पलटोगे। कॉस सिखाया ना अभी कुछ देर पहले, आज के पहला लेक्चर में पहला क्वेश्चन वही था। क्या था? y=cos x ही था। ठीक है यहां तक? हाँ सर। तो नेक्स्ट नंबर लिखेंगे y=sec x। सेम टाइप से बनाना है जैसे कोसेक का बनाए हो, वैसे ही किसका ग्राफ बनाना है? सेक एक्स का। कोस बनाना है कोस का, कोस के कटोरियों क्या करना है? पलटी मारना है, सही है। हाँ सर, चलिए ध्यान देंगे। चलिए ध्यान दें, y=sec x। sec x को क्या लिखेंगे? 1/cos x। पहली बात, cos x नेवर भी इक्वल टू जीरो। cos x जीरो कहाँ कहाँ पे होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2π, यानी x नेवर भी क्या π/2। माइनस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वाला वैल्यू भी लिख लीजिए। x डज नॉट इक्वल टू क्या? -π/2, +π/2, 3π/2, 5π/2 एक्सेट्रा, 7π/2 वगैरह को लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है, जैसा रेंज कोसेक का था वैसा ही रेंज इसका, यानी माइनस इन्फिनाइट से बड़ा होगा कौन? सेक एक्स। माइनस वन से क्या होगा? छोटा होगा। और क्या लिख सकते हो? वन से बड़ा होगा सेक एक्स, और क्या? इन्फिनाइट से छोटा होगा। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है, सही है, वाई बिलोंग्स टू, या फिर सेक एक्स बिलोंग्स टू। इसकी कहानी थोड़ी बताई जाएगी, इनइक्वालिटी इन ब्रैकेट्स का मतलब, ठीक है, इनका काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, सही है। ये इंटरवल कहलाते हैं, ब्रैकेट नहीं कहलाते यहाँ पे, सही है। तो इसके बारे में अपन इनइक्वालिटी में चर्चा करेंगे। यहाँ तक देख लो, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर, अब ध्यान देंगे, सही है यहाँ तक? हाँ सर। चलिए, ये आपका एक्स एक्सिस और ये क्या? वाई एक्सिस, सही है यहाँ तक? यस सर। देख लो भाई, कहाँ कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है भाई। चलिए पहले अपन उसका ग्राफ बना लेते हैं ना, कॉस का बना लेते हैं सीधा, ठीक है, उसके बाद सीधा कटोरी को पलट लेंगे। और क्या? कॉस का मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1। आज के पहले लेक्चर में मैं कॉस का ग्राफ बताया हूँ, और उन ग्राफ को सीधा याद रखना है। कॉस का ग्राफ आप देखना कुछ ऐसा बन रहा था, सीधा रफली ऐसे ट्रेस कर दिया करो, सही। उधर भी चाहो तो आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। ये -π/2 होता है, ये +π/2 होता है, सही है, ये 3π/2 होता है, अरे क्या आता है, ये होता है 5π/2 होगा, और ये क्या होगा? 7π/2। जहाँ जहाँ पे cos 0 होगा, cos 0 यहाँ पे हो रहा है π/2 पे, ये 3π/2 पे, मतलब y0, सही है, वहाँ पे sec क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड होगा, वहाँ पे रेड जोन आपको बनाना है। कैसा सर जी? ऐसा, ऐसा, क्लियर? हाँ सर, सर ऐसा, सही है। हाँ सर, सर ऐसा, सही है। हाँ सर, सर ऐसा, क्लियर हो? बना लिया, ठीक है। आप चाहो तो इसको भी डिनोट कर सकते हैं, पाई होता है, ठीक है, π/2 और 3π/2 के बीच में, और ये क्या होता है? 2π होता है, बताया था मैं कुछ देर पहले आपको, और ये क्या होता है? 3π होता है,
सही है, अब कुछ नहीं करना है, कटोरियों को ऊपर पलट लो, इसको पलटोगे तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, इसको पलटो कुछ ऐसा, सही है, इसको पलटोगे तो कुछ, इसको टच नहीं करेगा, अनडिफाइंड हो रहा है यहाँ पे, कुछ ऐसा, इसको पलटोगे तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा, सही है, देख लीजिए बन के तैयार हो गया, किसका ग्राफ है, यह है वाई इक्वल टू सेक एक्स का, सही है, सही है, छह ग्राफ थे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, क्लियर हो, देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म हो जाता है, ग्राफ्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक्स में, करो उसको, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे ग्राफ में आप पंक्चुअल हो जाओगे, तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं बोला ना आपको, मैं अभी टोटल मान के चलो को 3-4% आपको ग्राफ पढ़ाया हूँ, बाकी अभी ग्राफ काफ़ी लंबा सेक्शन है, सही है, तो ट्रिग्नोमेट्री को ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 11th का पार्ट है उसको मैं कंप्लीट बोल देता हूँ, आप ढंग से किताबों को रिविजन करें, नोट्स को रिविजन करें और क्वेश्चन बनाएं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक, थैंक यू।